हेलो एवरीवान वेलकम टू डॉक्टर गुंजन क्लासेस आई एम डॉक्टर गुंजन एंड टूडे वी आर गोइंग टू डू अनदर पार्ट ऑफ दी चैप्टर लाइफ प्रोसेसिस दैट कम्स अंडर यूनिट नंबर टू ऑफ क्लास टेंथ वर्ल्ड ऑफ लिविंग सो इसमें हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में हम लोग अब पहुँच चुके थे ट्रांसपोर्ट पर हम लिविंग बींग्स न्यूट्रिशन और रेस्पिशन की बात कर चुके हैं हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ लिया है सो so, आज हम लोग ट्रांसपोर्ट जो है वो प्लांट्स में करने वाले हैं सो so, प्लांट्स में भी एक फुली फ्लेज सिस्टम होता है पानी और वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन का कि कैसे एक प्लांट एक पार्ट ऑफ द प्लांट से बाकी सारे पार्ट्स तक पानी और खाना पहुंचता है तो सबसे पहले इसमें हम तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ठीक है ट्रांसलोकेशन और थर्ड होगा ट्रांसप्रेशन सो so, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन की सो so, जो ट्रांसपोर्टेशन और इन प्लांट्स रहता है सो so, इस इसमें पानी कहाँ से आएगा खुद सोचिए अब ये एक प्लांट है ये आप प्लांट देख रहे हैं इस पिक्चर में ये इसकी बॉडी में पानी कहाँ से आएगा सो so, सबसे नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स क्या होगा सॉइल Soil, सबसे नियरेस्ट इससे इसके पास रिचेस्ट सोर्स क्या है खाना तो ये लोग खुद बनाते हैं पानी कहाँ से आ रहा है सॉयल से सो so सॉइल से वाटर और मिनरल्स जो हैं वो इसके पास पहुँचते हैं पर अगर तो डिस्टेंस कम है अगर प्लांट में रूट्स और लीव्स में डिस्टेंस कम है ठीक है तो तो बहुत जल्दी डिफ्यूजन हो जाती है उसको खाना पाना सब मिल जाता है राइट right? एनर्जी और रॉ मटेरियल उसको इजीली अवेलेबल हो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू किसके थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू बट अगर आप सोचिए अगर यही डिस्टेंस इतना ना हो के बहुत बड़ा है क्योंकि प्लांट्स तो आपने देखे बड़े बड़े ट्रीज ऐसा थोड़ी है कि उनके अंदर खाना पानी पहुंचता ही नहीं है पहुंचेगा तभी तो वो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं सो so, उनके लिए जब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है तो उसके लिए एक फुली फ्लैच सिस्टम रहता है प्लांट्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो वट डू वी कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और इसमें एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि जो प्लांट्स होते हैं मूव नहीं करते है ना ऐसा नहीं है ना वो चल के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे आर नॉट मूविंग तो उनके अंदर एक अनोर्मस डेड सेल्स भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए उनको स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और कम ही एनर्जी यूज करते हैं वो ठीक है फर्स्ट थिंग उनको लो एनर्जी और स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है अगर ये क्वेश्चन आपको वन मार्क्स में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे फर्स्ट थिंग इज दे डू नॉट मूव सेकेंड इज दे हैव एनॉर्मस डेड सेल्स इन दैम सो दे नीड वेरी लेस एनर्जी एंड स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इसमें दो इंडिपेंडेंट कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम बात करने वाले हैं दो ट्यूब्स की फर्स्ट होती है जाइलम ये एक कंडक्टिंग टिश्यू है ठीक है प्लांट्स के अंदर सेकेंड है फ्लोयम ये नाम याद करिए जाइलम एंड फ्लोयम जाइलम जो है वो पानी और मिनरल्स को कैरी करता है किसको कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स को जबकि जो फ्लोयम है वो फूड को कैरी करता है ठीक है लीड से फूड को सारे प्लांट्स को पहुंचाता है बाकी पार्ट्स को पहुंचाता है सो so, Xylem moves water and minerals from the soil, whereas phloem transports products of photosynthesis. Photosynthesis के products मतलब खाना हो गया, तो वो leaves बनाते हैं, leaves बनाके वो सारे parts में phloem जो है, वो conduct कर देता है, वो transport कर देता है. So this is about कि जो uh, fully flesh transport transportation system है, उसमें दो चीजें काम करती हैं, जिसके बारे में हम देखते हैं. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जाइलम टिश्यू की जाइलम टिश्यू में फर्दर डिविजन होती है वेसल्स होते हैं क्या होते हैं वेसल्स और सेकेंड होते हैं ट्रकीड्स प्लीज आप इसके नाम आपको मे भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहे हूँ बट एक बार आप फोकस करिए एक दो बार आप रीड करेंगे तो आपको ये याद होने शुरू हो जाएंगे जाइलम टिश्यू के अंदर वेसल्स और ट्रकीड्स होते हैं ठीक है जो रूट स्टेम्स और लीव्स में प्रेजेंट होता है ठीक है जाइलम टिश्यू और ये सब में इंटरकनेक्टेड होते हैं इंटरकनेक्ट होकर आपस में सब लोग जुड़े हुए हैं तो ये एक चैनल फॉर्म कर देते हैं पानी को कंडक्ट करने का पानी को ट्रांसपोर्ट करने का ताकि पानी हर जगह पे पहुंच पाए इसमें मैं क्या कह रही हूँ जाइलम टिश्यू का काम क्या है हमने अभी बात करी जाइलम पानी और डिजोल्व मिनरल्स को कैरी करता है वो पानी आता कहाँ से है सॉयल से सॉइल से रूट्स जो हैं वो लेकर जाते हैं ठीक है तो ज़ाइलम टिश्यू के अंदर फर्दर अगर उसकी डिवीज़न करें तो वेसल्स और ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सब में इंटरकनेक्टेड हैं और वो एक पूरा का पूरा कंडक्टिंग चैनल फॉर्म कर देते हैं ताकि पानी हर पा पार्ट में पहुंच सके प्लांट के तो सबसे पहले बात शुरू होती है रूट से रूट से सॉइल सॉइल में क्या है मिनरल्स हैं ठीक है ठीके? तो रूट्स में से रूट्स ने क्या किया सॉइल में से कुछ आइंस को ले लिया soil से आइंस को ले लिया कैसे लिया एक डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है सॉइल सॉइल uh, में और रूट्स में ठीक है सो इसमें कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया जिसके कारण पानी जो है वो मूव कर जाएगा रूट्स के अंदर सॉइल में से ठीक है तो वो किसके अंदर मूव करेगा जाइलम जाइलम के अंदर, के अंदर. So, roots, लिख देंगे, क्योंकि हम रूट्स की बात कर रहे हैं अब वो पानी जो है वो ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ क्या होगा मूव फॉरवर्ड पुश करेगा अपने आप को ऊपर की तरफ जाएगा एक ही डायरेक्शन में पानी और मिनरल्स मूव करते हैं ठीक है ये याद रखेंगे आप या, जाइलम जो टिश्यू है वो यूनी डायरेक्शनल है यूनी डायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करता है फ्रॉम रूट से लेके बाकी पार्ट्स तक तो इसमें सब अब क्या हुआ सबसे पहले रूट्स ने सॉइल में से कुछ आयन्स एब्जॉर्ब कर लिए उसने एब्जॉर्ब करे जिसके कारण कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया दोनों में रूट्स में और सॉइल में तो so, ये नियरेस्ट पार्ट है दोनों जुड़े हुए हैं आपस में ठीक है तो ये इसमें आयंस का डिफरेंस कंसंट्रेशन डिफरेंस आने के कारण क्या हुआ पानी जो है वो ऊपर चढ़ गया पानी ऊपर चढ़ गया किसके अंदर चैनल हुआ जाइलम के अंदर जाइलम ने पानी और मिनरल्स को ले लिया रूट से और एक कॉलम ऑफ वाटर बना दिया पर इतना प्रेशर क्या काफी था सारे प्लांट के पूरे ऊपर तक कितने ऊंचे-ऊंचे प्लांट्स ट्रीज होते हैं वहां तक पानी पहुंचाने के लिए इतनी हाइट तक पानी लेके जाने के लिए क्या इतना प्रेशर काफी था नहीं इट्स नॉट ठीक है सो so, इसके लिए प्लांट एक अनदर स्ट्रेटजी यूज़ करता है जिसे क्या बोला जाता है ट्रांसपीरेशन याद करिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में पक्का आता है सो so, ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो है पानी फर्दर कंडक्ट होता है तो so, अब हम बात करने वाले हैं किसकी ट्रांसपीरेशन की सो ट्रांसपीरेशन देखिए ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब है पहले तो इसकी डेफिनेशन यू शुड नो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए ट्रांसपीरेशन का मतलब है कि जो एरियल पार्ट्स हैं एरियल पार्ट्स मतलब एरियल पार्ट्स प्लांट्स के कौन से होंगे मेनली लीव्स हम लीव्स की बात करेंगे सो स्टोमेटा होता है इनके अंदर ठीक है लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा गैशियस एक्सचेंज होता है तो वाटर पेपर भी लॉस हो जाते हैं वाटर पेपर भी लीव्स के जो पोर्स होते हैं उसमें से लॉस हो जाते हैं तो पानी जो लॉस होता है उसको क्या बोला जाता है ट्रांसपीरेशन अगर आप सोचिए ऊपर प्लांट है बड़ा सारा ट्री है उसके जो लीव्स हैं उसमें से उसके एरियल पार्ट्स में से पानी वाटर वेपर्स जो हैं वो धीरे 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 लॉस होते जा रहे हैं लॉस होते जा रहे हैं तो नीचे क्या होगा एक सक्शन कैपेसिटी बन जाएगी पानी की पानी तो उसने नीचे से खींचना है और लीव्स ऊपर वहां से ऊपर से पानी निकल रहा है तो उसने नीचे से खींचना है तो वो एक प्रेशर उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो वो एक प्रेशर क्रिएट कर देगा नीचे की तरफ ठीक है तो वो एक कंडक्टिंग चैनल फॉर्म हो जाएगा एक प्रेशर एक टेंशन क्रिएट कर दी उसने उसने वो टेंशन क्रिएट करने के कारण अब जो है वो बिना किसी एनर्जी के पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा ठीक है पुश करेगा अपने आप को ऊपर की तरफ इस तरह से जाइलम जो है वो सब जगह पे पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं चलो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे पर इससे पहले हम एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस एक्टिविटी को प्रूव करते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या सच में होती है हाउ कैन यू दैट की ट्रांसपीरेशन हो रही है प्लांट्स में सो so, इसके लिए हमने क्या किया हमने दो पॉट्स ले लिए पॉट नंबर वन एंड पॉट नंबर टू पॉट नंबर वन में ही हमने एक प्लांट रख दिया ठीक है दोनों पॉट्स हमने सेम साइज के लिए सेम अमाउंट ऑफ सॉइल वगैरह सब कुछ उसमें सब कुछ सेम सेम डाल दिया अब एक पॉट नंबर में हमने एक प्लांट उगा दिया ठीक है दूसरे पॉट में हमने एक स्टिक रख दी राइट उसी प्लांट की स्टिक रख दी उसके बाद हमने क्या किया हमने दोनों प्लांट्स को ये देखिए दोनों प्लांट्स को एक प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया इसको भी कवर कर दिया इसको भी कवर कर दिया अब इसको कवर करके हमने दोनों प्लांट्स को कहाँ पे रख दिया सनलाइट में कितनी देर के लिए आधे घंटे के लिए फॉर हाफ एन आवर फॉर थर्टी मिनट वी हैव कैप्ट दिस बोथ पॉट्स इन द सनलाइट कवर्ड विद द प्लास्टिक शीट अब क्या होगा अब वो कह रहे हैं अब वो कह रहे हैं अगर आप आधे घंटे के बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे हमने क्या पाया कि दोनों के दो जो जो पॉट में जो पॉट में प्लांट था और उसकी प्लास्टिक शीट को अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे कंडेंसेशन हुई यानी कि पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स कुछ वेपर्स हमें ये देखिए ये दिख रहे हैं आपको ये दीज आर सम ऑफ द वॉटर ड्रॉपलेट्स विच इज़ फाउंड इन केस ऑफ द पॉट विद प्लांट पॉट नंबर वन में ये देखा गया जबकि जो पॉट नंबर टू था no such thing no such water droplets can be seen so what does it prove ki isme jo hai iske aerial parts ne sunlight ki presence ne kya kiya kuch water droplets ko remove kiya theek hai loss हुआ लीव से जो कि यहाँ पे condense होके water vapor की form में plastic sheet के ऊपर बैठ गए क्योंकि वो environment में तो जा नहीं सकते थे इसीलिए हमने उसको cover किया था so that proves कि ट्रांसपीरेशन होती है सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट फॉर द ट्रांसपीरेशन सो ट्रांसपीरेशन को आप अच्छे से करेंगे क्योंकि ये प्लांट्स में पूछा जाता है क्वेश्चन सो द वॉटर इज अब क्या होगा अब हम बात कर रहे हैं कि उसमें से स्टोमेटा में से पानी कुछ लॉस uh, हो गया ठीक है जिसके कारण जाइलम वेसल्स जो उसमें क्या हुआ सक्शन क्रिएट होगी जैसे कि मैंने बात करी अब यहाँ से पानी ये देखिए यहाँ से अब क्या हुआ ये ग्रीन लीफ है ये एक ग्रीन लीफ है इस लीफ में स्टोमेटा से ठीक है स्टोमेटा से क्या हुआ वाटर वाटर वेपर्स का लॉस हो गया दैट इज बाय ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कॉल ट्रांसपीरेशन जिसके कारण अब इसको पानी की जरूरत है ठीक है ऊपर पूरे पूरे ट्री को पानी की जरूरत है जिसने क्या किया उसने एक सक्शन क्रिएट कर दी टेंशन क्रिएट कर दी सो so, उस टेंशन के कारण जो जाइलम्स में जाइलम टिश्यूज में पानी था उन्होंने और अच्छे से उसको पुल किया पहले सक किया यहाँ से सॉइल से सक किया और उसको ऊपर की तरफ पुल किया उसको एक प्रेशर मिल गया ना प्रेशर से ही चीज ऊपर मूव करेगी आप खींचोगे खींचने के लिए क्या हुआ खींचने के लिए ऊपर पानी का लॉस हो गया और उसने ऊपर पानी और खींचा फर्दर पानी को खींचा ठीक है सो so, जो ट्रांसपीरेशन अब क्या कर रही है एब्जॉर्बन और अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प कर रही है किसकी अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प कर रही है पानी और मिनरल्स की कहाँ से रूट्स रूट से रूट से कहाँ तक पहुंचाने में लीव्स तक पहुंचाने में लीव्स को पानी चाहिए ना ठीक है तो ताकि वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके आई होप दिस इज क्लियर विथ यू कैसे ट्रांसपीरेशन पुल बना सक्शन क्रिएट हुई थ्रू जैसे ही वाटर का लॉस हुआ फ्रॉम द ग्रीन लीव वहीं से एक सक्शन क्रिएट कर दी उसने जो कि रूट्स ने ज़ाइलम रूट्स ने पानी को खींचा और ऊपर की तरफ खींचा और सब जगह पे पहुंचाया कहाँ से रूट से लीव्स तक उसके बाद एक पॉइंट आप देखिए अगर चोमेटा जो है वो रात को तो क्लोज हो जाते हैं वी ऑल नो दैट ठीक है कुछ प्लांट्स में मैक्सिमम प्लांट्स में वो क्लोज हो जाते हैं तो प्लांट्स जो हैं रात के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने रूट के प्रेशर पे डिपेंड करते हैं पूरी की पूरी वाटर ट्रांसपोर्टेशन में ठीक है उस टाइम पे कोई भी अलग से ट्रांसपीरेशनल पुल नहीं मिलता है उनको वो सिर्फ रूट प्रेशर पे डिपेंड करते हैं सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा और अगर दिन की बात करें तो स्टोमेटा खुले होते हैं तो ट्रांसपीरेशन पुल ही मेजर ड्राइविंग फोर्स रहती है पानी को ऊपर खींचने के अब ये तो थी पानी और मिनरल्स की बात जो हमने बात की थी कि जाइलम में होता है अब अगर हम आ, प्ला फूड की बात करें या अदर सब्सटेंसेस की बात करें तो वो किसके थ्रू होता है वो होते हैं फ्लोएम के थ्रू राइट हमने एक और वेस्कुलर टिश्यू की बात की थी किसकी फ्लोएम की सो फ्लोएम so, क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है क्या बनाते हैं फोटोसिंथेसिस बताइए मुझे सब फूड बनाते हैं ठीक तो है तो वो बनाते कौन है लीव्स बनाते हैं सो so, लीव से सारे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में फूड पहुंचाना है तो उस प्रोसेस को कहा क्या कहा जाता है ट्रांसलोकेशन ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं इसको ध्यान से समझिए ठीक है ट्रांसलोकेशन क्या है ये एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है जो कि खाने को ग्रीन लीव से सारे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाता है क्या चीज फूड और फूड फ्लोयम जो है अमाइनो एसिड्स और अदर सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं ठीक है अब आप ये देखिए ये तो है ट्रांसपीरेशन पानी जा रहा है फ्लोयम में क्या होता है फ्लोयम में क्या होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ द सुक्रोज फूड क्या होगा शुगर की फॉर्म में होता है सुक्रोज तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लोयम बताए गए हैं यहाँ पे कंपेनियन सेल्स हो गया ठीक है पर ये सब कुछ आपकी फ़र्दर क्लासेस में आएगा इट्स नॉट रिक्वायर्ड टिल हेयर ठीक है सीव ट्यूब्स हो गए वेसल्स साइलम में होते हैं सो इसमें इस तरह से दिखाया गया है so सो ये सब्सटांसेस स्टोरेज दीज सब्सटांसेज आर डिलीवर्ड कहाँ पहुँचाते हैं स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स को फ्रूट्स को सीड्स को और जो भी ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं ट्रीज़ के उनको ठीक है सो बेसिकली जाइलम और फ्लोयम में हमने पढ़ा ये कुछ ठीक है अब ट्रांसलोकेशन जो है वो कहाँ पे होती है वो सीव ट्यूब्स में होती है सीव ट्यूब्स में होती है हम फ्लोएम की बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सीव ट्यूब्स में होती है उसके साथ एक कंपेनियन सेल्स जुड़े हुए होते हैं एडजस्टेंट कंपेनियन सेल्स हेल्प करते हैं अब हम पहले बोल रहे थे कि जाइलम में सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वाटर रहती है जबकि फ्लोयम में ही इट्स अ बाय डायरेक्शनल खाना ऊपर भी चाहिए नीचे भी चाहिए बना तो ग्रीन लीव्स ही रहें तो ये बाय डायरेक्शनल रहेगा सो बाय डायरेक्शनल रहेगा तो यहाँ पे एनर्जी का यूज़ होता है ये आप ध्यान रखिए इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है सो so, जाइलम हमेशा ट्रांसपोर्ट सिंपल फिजिकल फोर्सेस से करता है और जबकि फ्लोयम में जो है ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन के थ्रू होती है पर उसमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन रहती है तो ये मटेरियल जो सुक्रोस को ट्रांसपोज करने के लिए ये एनर्जी कहाँ से आती है ए टी पी से एडीनोसिन ट्राइफोसपिट ठीक है अब इसमें होती कैसे है इसमें क्या होता है कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है क्या क्रिएट हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जो कि फ्लोयम्स में पानी को भी कॉज करता है ताकि वो उसके अंदर आ जाएं और सारा का सारा मटेरियल फ्लोएम में बाकी टिश्यूज़ तक पहुंच सके ठीक है सो व्हाट हैपन्स ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है जो कॉज करता है पानी को उसके अंदर जाने को और सारा का सारा मटेरियल फ्लोएम से डिफरेंट टिश्यूज़ तक पहुँचाने के लिए जैसे कि स्प्रिंग्स में शुगर स्टोर कहाँ पे हो जाती है रूट्स में और स्टेम जो है वो बर्ड्स को ट्रांसपोर्ट कर देती है खाना ठीक है ताकि उन्हें एनर्जी तो चाहिए ना ग्रो करने के लिए सो दिस ऑल हैपन्स सो बेसिकली जो है वो यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल है और वो फ्लोयम uh, जो है वो बायडायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है जिसे टू वे मूवमेंट भी बोला जाता है सो दिस इज अबाउट दी जाइलम एंड फ्लोयम so i hope this point uh, this uh, part is clear with you if you still have any doubts you can comment me in the comment box i'll get back to you for your queries and if you like this video please uh, press the like button and share among your friends and do subscribe to this channel for more further videos thank you so much bye bye take care